अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त रेसिपी बताने जा रही हूँ। मेरे सेकंड लास्ट वीडियो में जो है वो जिसमें मैंने रमज़ान की ग्रॉसरी दिखाई थी, तो उसमें मैंने आपको एक मूसली बॉक्स दिखाया था। वो मूसली बॉक्स जो है ये वाला मूसली बॉक्स था, ठीक है। तो मेरे पास डिफरेंट मूसली बॉक्स हैं, वो सब मैंने रखे हुए आपको दिखाने के लिए कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये कैसे यूज़ करते हैं ये मैं बताती हूँ। ये मेरी एक रमज़ान स्पेशल वीडियो है और मैं जा रही हूँ एक रमज़ान स्पेशल एनर्जी बॉल बनाने। ये जी, तो ये मेरा एनर्जी बॉल बन रहा है और मैं रमज़ान में मेरी जो सहर है वो इससे होती है। तो मैं सहरी में जो है वो यही खाती हूँ, कोई पराठा, कोई रोटी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं खाती। आपने क्या खाना है ये आप डरे नहीं भाई कि मैं आपको पराठे से मना कर रही हूँ। आप बिल्कुल पराठा खाएं आप खाना चाहते हैं सहरी में, बट ये तो मैं खाती हूँ। ज़रूरी नहीं आप इसको सहर में खाएं, आप अफ्तार के बाद, अफ्तार करने के बाद, अफ्तार और सहर के बीच का जो टाइम है आप उसमें भी आप एनर्जी बॉल जो है वो ले सकते हैं। रेसिपी की तरफ तो अभी चलते हैं, लेकिन ये एनर्जी बॉल दिखाने का मकसद ये है कि ये देखें, ये मिशमिश जो है वो भी एनर्जी बॉल जो है वो लेने आ गया है मेरे पास। जी, ये मेरा मिशू जो है तो इसको भी खुशबू आती है ना दूध की और चीज़ों की, तो फिर ये मेरे पीछे पीछे आता है। तो अच्छा, चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी पहले दिखा दूं, इसके बाद थोड़ी सी और बातें आपसे करूंगी और बताऊंगी कि इस एनर्जी बॉल के क्या क्या फायदे हैं। तो ये जी जनाब, मैंने इसमें सबसे पहले तो 30 मिनट के लिए यानी आधे घंटे के लिए ये मैंने चिया सीड्स भिगो के रख दिए थे और ये बहुत अच्छे से सोक हो गए। ये मैंने लिए है 1 टेबल स्पून। इसमें जाएंगे ये वाले फ्रेश फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज जाएंगे, विटामिन सी से भरपूर, बनानास जाएंगे, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम से भरपूर, और ये आपके जो हैं वो सीड्स हैं डिफरेंट, आप कोई भी सीड्स डालें। मेरे पास पम्पकिन है, मेरे पास सनफ्लावर्स हैं, और ये इसके साथ जनाब जो मेरा मोस्ट फेवरेट है कोकोनट, मेरे पास रॉ कोकोनट है, मैं छोटे छोटे पीसेस करके काट के फ्रीज़र में रख देती हूँ। और ये जो है बादाम, 7 से 8 दाने बादाम के हैं, भिगो के आप काट लें या फिर आप ऐसे ही काट लें, जिस तरह भी आपको पसंद है, जिस तरह भी आपको अच्छा लगता है आप बिल्कुल वो ले सकते हैं। तो अब इस एनर्जी बॉल में ये सब जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या जाएगा, तो उससे पहले जो है वो जाएगा इसमें 1/2 कप दूध। दूध जो है वो आप लो फैट ले लें, फुल फैट ले लें, इट्स अप टू यू, आलमंड मिल्क ले लें या कोई सा भी दूध ले लें जो आपको सूट करता है। मैं लो फैट दूध लेती हूँ, तो ये मैंने 1/2 कप जो है लो फैट दूध लिया हुआ है और ये दूध जो है वो जाएगा इसमें। तो आप दही की लस्सी ले सकते हैं, दही भी बहुत अच्छा है, दूध भी बहुत अच्छा है, दोनों चीज़ें जो है बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मैं अब आपको मूसली बॉक्स दिखाने जा रही हूँ। ये जो मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया था मूसली बॉक्स, इसके अंदर डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स और चीज़ें जो है मिक्स होती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। ये भी एक मूसली बॉक्स है, ये भी मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ कि आप जो है इस कंपनी का भी ले सकते हैं, इट्स बेस्ट, ये बहुत ही मज़े का और बहुत अच्छा होता है ये वाला बॉक्स, ठीक है। तो एक ये है, एक ये है, इसके अलावा जो है मैं ये मैं होल व्हीट के फ्लेक्स ले आती हूँ कभी कभार, इसके अलावा ये ब्राउन फ्लेक्स, ये ब्राउन फ्लेक्स जो है वो तो जहाँ भी मुझे मिलते हैं ऑफर्स में तो मैं उठा लेती हूँ 1, 2, 3 बॉक्स जो भी हैं, और फिर ये मेरे महीनों चलते हैं, तो ये भी जो है वो मैं इसमें ऐड करती हूँ और आज भी करूँगी। तो अभी चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ दोबारा से। ये मेरे बॉल में जो है वो दूध और चिया सीड्स आ गए हैं, अब इसमें जो है ये मेरे बनानास जा रहे हैं, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिए। फिर इसमें जो है वो मैं डालूंगी ये आलमंड्स और ये सारे ड्राई फ्रूट्स, ये और ये मैंने क्यों बचा दिए, ये स्ट्रॉबेरीज भी चले गए, और ये स्ट्रॉबेरीज मैंने क्यों बचा दिए ये अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये अच्छे से जो है वो मेरा मिक्स हो गया है ये बॉल, और अब इसमें जाएंगे मेरे फ्लेक्स। मैंने इस बॉक्स में 3 तरह के फ्लेक्स जो हैं वो मिक्स किए हुए हैं, ये देखें, तो इसमें ब्लैक करंट भी है यानी वो जो काली वाली किशमिश होती है वो भी है, मूसली भी है, जिस मूसली में तो हर चीज़ होती है, ओट्स भी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। इसके अलावा जो है वो मैंने जो आपको दिखाया था ये मेरे ब्राउन फ्लेक्स ये भी हैं, और इसमें मेरे जो ये चॉकलेट वाले फ्लेक्स हैं ये भी हैं, तो ये सब हैं। और इनकी क्वांटिटी कम होती है, मैं 1-1 बॉक्स डालती हूँ, और मूसली जो है वो मैं 2 बॉक्स डाल देती हूँ, तो इससे जो है ये मेरा पूरा जार जो है भर जाता है और मेरे माशाल्लाह 3-4 मंथ्स आराम से निकल जाते हैं। तो अच्छा, इसके लिए मैंने ये अलग से जो मेजरिंग कप है वो रख दिया है, मेजर करने के लिए नहीं बल्कि बार बार इसमें मैं कोई दूसरे स्पून्स ना मारूँ और ये ख़राब ना हो,
तो इसको सेफ रखने के लिए जो है वो मैं ये तो इसको सेफ रखने के लिए मैं ये वाला जो स्पून इसमें रखती हूँ। इस अब ये मैं एक कप डालने जा रही हूँ इसमें। आप चाहें तो ज़्यादा ले लें, अगर आप सहरी में जैसे मैं सहरी में लेती हूँ तो फिर मैं इसके ये दो कप, अच्छा ये वन कप नहीं है, ये मेरा 1/4 कप है, तो मैंने इसको दो दफ़ा डाल दिया तो ये ऑलमोस्ट हाफ कप जितना हो गया। इसके साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि इसको मैंने इस तरह से एयर टाइट पैक किया हुआ होता है। एयर टाइट बॉक्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है नॉर्मल है तो उसके लिए भी हम इसको इसके साथ पैक कर सकते हैं इस तरह से। इसको मैंने इस तरह से करना है मिक्स। अगर आपको क्रंची चाहिए तो आप इसको फौरन खा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए तो इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इस तरह मिक्स करके रख दें, तो ये सारे फ्रूट ड्राई फ्रूट्स सीड्स वगैरह सब जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और ये हो गया है आपका बॉल रेडी। और हाँ, जो मैंने बिल्कुल मुझे याद है, मैं बिल्कुल नहीं भूली, जो मैंने ये फ्रूट बचाया था तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया गार्निशिंग के लिए कि ये जो है खूबसूरत लगे मेरा बॉल। और ये मेरा एनर्जी बॉल इज रेडी। ये मेरा एनर्जी बॉल जो है वो हो गया है रेडी, और इसको मैं लेकर चलती हूँ टेबल पे। तो जी, ये मेरा एनर्जी बॉल जो है वो यहाँ आ गया है। ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा बॉल है। इसमें जो रेडी जो ये मटेरियल है, ये 2 कप्स जो है वो इसके अंदर है, और इसमें मिनरल्स हैं, इसमें विटामिंस हैं, इसमें ड्राई फ्रूट हैं, ऑब्वियसली मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, फ्रेश फ्रूट है, ऑब्वियसली आपको विटामिंस मिल रहे हैं, मैग्नीशियम मिल रहा है, इसलिए कि इसमें बनाना भी जो है वो मैंने ऐड किया हुआ है, और बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ आपको डेयरी फॉर्म में चीज़ मिल रही है, आप योगर्ट डालते हैं तो भी बेस्ट है, और अगर दूध जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं तो दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है वो लो फैट मिल्क लिया, आप फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं, और बेस्ट रमज़ान मील है। आप अपने से रमज़ान में जो है एज अ सहरी भी आप ले सकते हैं, और आप अफ्तार और सहर के दरमियान का जो टाइम है उसमें आप खाना खाने के बजाय ये वाला बॉल लें, आपकी बॉडी के सारे मिनरल्स एंड विटामिंस जो हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो है बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन के लिए ये बॉल बहुत अच्छा है, चाहे रमज़ान हो या ना हो। बट रमज़ान में ऑब्वियसली आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्किन जो है वो भी बाज़ दफ़ा जो है ख़राब और डाउन लगने लगती है। अगर आप ये बॉल यूज़ करेंगे तो ये आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देगा और आपको फ्रेश और एक्टिव रखेगा। अब मैं जो है ये आपको खा के दिखा रही हूँ, ये देखें, इसमें बनाना भी है, इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, और इसमें सब नट्स वगैरह सब आ गए हैं। ये इतने मज़े का है, आप 2 दिन ही आप ये ले लें तो आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, आपको क्रेविंग होगी फिर इसकी कि यार मुझे जो है बस ये चाहिए थोड़ा सा। खाने के बाद भी बाज़ दफ़ा क्रेविंग होती है कि यार थोड़ा सा चाहिए, और हाँ खाने के बाद हमें क्रेविंग क्यों होती है, हमें मीठा चाहिए होता है, तो आप खाने के बाद भी ये थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। बट रमज़ान में ज़रूर अपने मेन्यू में ये ऐड करें, और दुआएं देंगे आप मुझे। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और मैं अपना ये एनर्जी बॉल जो है वो इन्जॉय करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।